वही बड़ी खबर का रुख करेंगे दौसा से आ रही है, जहां पर पानी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है, मटका फोड़ प्रदर्शन, पानी को लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में मटका फोड़ो आंदोलन सांसद किरोड़ लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी तादाद में महिला पुरुष रैली में शामिल है। गुप्तेश्वर दरवाजे से रैली शुरू हुई है, शहर की पेयजल समस्या के निदान की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं वाटर ट्रेन से शहर की जलापूर्ति हो, सैकड़ों की तादाद में मटका फोड़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व में ही इसकी चेतावनी दी थी, प्रशासन और पीएचईडी मंत्री को इसकी चेतावनी दी गई थी, पेयजल का निदान नहीं तो आंदोलन ये कहा गया था। हमारे साथ कुछ सांसद किरोड़ लाल मीणा, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की समस्या को लेकर आज जनता के साथ? आप यहीं के रहने वाले हो, आपको जानकारी है कि दौसा शहर के लिए 12 MLD पानी की आवश्यकता है। 12 MLD का मतलब 1,20,00,000 पानी चाहिए, जबकि मिल रहा है 4 MLD यानी 40,00,000। एक तिहाई पॉपुलेशन को पानी मिल रहा है, वो भी 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल रहा। पूरा दौसा प्यासा है, 4-6 महीने से दौसा के लोग चिल्ला रहे, और स्थिति अब और ज़्यादा विभत्स हो गई है। तो हमने कार्यक्रम रखा है आज कि हमको पर्याप्त पानी दिया जाए। इसके 2-3-4 तरीके, एक तो बीसलपुर का पानी जो हमको 22,00,000 लीटर मिलता था उसको 30-32 किया जाए, टैंकर बढ़ाए जाएँ, ट्यूबवेल और की जाए, और जैसे पाली में 4 दिन में पानी नहीं आता, हमारे तो 6-7 दिन में नहीं आता, वहाँ आपने वाटर ट्रेन चालू की है, ऐसे वाटर ट्रेन चालू की जाए। इस मामले को लेकर हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, काफ़ी महिलाएँ अभी तो चली गई, हमने कह दिया सब जाओ, और हमने चूँकि ट्रेन की आवश्यकता है इसलिए हम रेल विभाग का भी ध्यान आकर्षित किया। DRM साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा प्रशासन को कहेगा तो हम ट्रेन लगा देंगे। अब वह कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री माननीय विश्वेंद्र सिंह जी भी बैठे, कलेक्टर साहब भी हैं और PHED के चीफ इंजीनियर भी हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे, वो हमारी मांगों पर कितना ध्यान देते हैं। अगर वो 90% भी पूरा कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। सर आपने 4 दिन पहले एक पत्र भी लिखा था, इसमें कलेक्टर को भी अवगत करवाया था, जो PHED मंत्री महेश जोशी उनके आवास पर जाकर भी आप मिले थे, वाटर ट्रेन की आपने मांगी थी, कहीं ना कहीं 6 दिन से ये बात सही है। 15 तारीख का समय दिया था, कुछ नहीं हुआ तो 17 तारीख को हम यहाँ पर आ गए, कुछ नहीं होगा तो बैठ जाएंगे, धरना कर देंगे और फिर कुछ नहीं चलने देंगे, सब जाम।